स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चौथी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में आपके रिमझिम चार का छठा पाठ नाव बनाओ कविता के शब्दार्थ जाने थे। आज हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और इस कविता के प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न उत्तर क्या है। तो आप देख सकते हो आज का दूसरा प्रश्न है, वे पंक्तियां लिखिए जिनमें यह बात कही गई है। यानी यहाँ पर कुछ बातें कही गई है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसके अनुसार आपको बताना है कि यह कौन सी पंक्ति होगी। आपको कविता से उन पंक्तियों को लिखना है, ठीक है बच्चों। जैसे आप देख सकते हो क, जिसमें भाई को बुलाकर नाव बनाने की बात कही गई है। किन पंक्ति में भाई को बुलाकर नाव बनाने की बात की गई है, तो हम लोग देख सकते हैं आपकी कविता नाव बनाओ जिसकी पहली पंक्ति में ही दिया गया है, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, ठीक है। जिसमें भाई को बुलाकर नाव बनाने की बात कही गई है, तो इस पंक्ति में ही भाई को बुलाकर नाव बनाने की बात कही गई है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर पंक्ति दो पंक्ति होंगी, दो लाइन होंगी, क्या होगा, नाव बनाओ ठीक है, नाव बनाओ नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, ठीक है। इस पंक्ति में ही क्या कहा गया है, इस पंक्ति में ही भाई को नाव बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब देखिए ख है, ख देखिए, जिसमें भाई को भारी और अपनी गुल्लक हल्की बताने की बात कही गई है। किस पंक्ति में यह कहा गया है कि भाई की गुल्लक भारी है और उसकी अपनी गुल्लक हल्की है, ठीक है। गुल्लक यानी क्या बताया था मैंने, रुपए रखने का या रुपए इकट्ठा करने की वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली पंक्ति होगी, गुल्लक भारी अपनी खोलो हल्की मेरी नहीं टटोलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली पंक्ति होगी, क्या होगा, गुल्लक भारी अपनी खोलो गुल्लक भारी अपनी खोलो हल्की मेरी नहीं टटोलो, ठीक है बच्चों। इस पंक्ति में ही यह कहा गया है कि भाई को भारी और अपनी गुल्लक हल्की बताने की बात कही गई है, ठीक है। कौन सी पंक्ति, गुल्लक भारी अपनी खोलो हल्की मेरी नहीं टटोले, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपको इन पंक्तियों को जो वाक्य दिए गए हैं उसके अनुसार कविता की पंक्तियां लिखनी है, ठीक। इसमें और भी सारे ऐसे वाक्य हैं, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, और यह सारे पंक्तियां मैं आपको ई पोर्टल में दे दूंगी, बच्चों वहां से आप लोग लिख लीजिएगा अपने अभ्यास पुस्तिका में। तो आज के लिए यहीं तक, अगली कक्षा में हम लोग नए अंश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।